सो गाइज आई एम अराइव्ड होता है ना वी रीच द फार्म हाउस सही है आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स. तो ये जो है मेरा फुल आउटफिट है शर्ट एंड दिस लहंगा और दुपट्टा और ये माईशप्पी है. दिखाओ माईशप्पी तो अपनी अभी माईशप्पी इतनी अच्छी नहीं लगी है ना इसलिए तो मुझे भी अभी थोड़ा सा टचअप वगैरह करना है क्योंकि अभी हम बहुत देर से आ रहे हैं. मेरे पूरे पैर मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं और अब देखते हैं बाकी लोग ऑब्वियसली बात है यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी जाएगी तो फिर वापस आएंगे क्योंकि इतने सारे लोग थे बस में और वो बहुत ज़्यादा ही क्या टूट गई माय गॉड गाइस इसकी हील लूज हो रही है. तो अभी हम लगाते हैं फोन को चार्ज पे ताकि आपको अच्छे 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 ब्लॉग आगे देखना पड़े. सो गाइस यस आई एम बैक. तो अभी मैं जो हूँ अपने कजन का फुल लुक दिखाने वाली हूँ बिकॉज जो है वो ये लोग बोलते हैं कि तुम हमें व्लॉग में नहीं लेती हो एंड ऑल दैट थिंग्स. झूठ नहीं बोल रही मैं, तुम लोग ये लोग बोलते हैं ना हाँ आज बोले मैं बोलती हूँ क्योंकि ये मैं अगर आती भी हूँ ना तो मैं कट कर देती हूँ क्योंकि मैं फालतू लोगों का अपनी व्लॉग्स में नहीं लेती हूँ. आप जैसे लोगों को लेते हैं मुझे देखते हैं सही है. तो गाइस आज पहली दफा उसको बोली तो मैं अपने सारे दोस्तों क्योंकि इसने अपनी सारी दोस्तों को बोल दिया कि मेरी जो दोस्त है उसको सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल दैट थिंग. इसलिए मेरी जो कजन है उसको सब्सक्राइब कर लो सही है. सेकंड सिस्टर फर्स्ट सिस्टर शायद हाँ 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 तो अभी हम जैनब का आपको फुल लुक दिखाने वाले हैं. या ये है ये जो है इसका लहंगा है एंड दिस और ये फाके तुम भी आ जाओ फिर बोल देगी तुमने मुझे अपने व्लॉग में नहीं लिया है बढ़िया इधर आइए. क्यों मेरे जितने भी दोस्त हैं अलग ही कसम बता रही इसके एक और बहुत सारे फार्म हाउस पाएंगे जितना देख लो सारे देखें इतना बड़ा फार्म हाउस है और इधर हटो वहाँ पर एरिया में जो हो रही है क्या हो रही है बहुत सारे एक सेकंड चुप हो जाओ ना वहाँ वाले एरिया में ढोलकी हो रही है जो कि अभी हमको दिखाएंगे और वो पूरा सेटअप हुआ हुआ है वहाँ पर. जी आप बोलिए दिखाएं ये जैफाक है इसकी फुल लुक है गरारा एंड दिस. हाँ आप जैनब तुम बताओ मेकअप खड्डा चल रहा है कि फाके तुम बहुत ज़्यादा मेकअप करें. अच्छा चलो फाके इधर आओ हम आपको फाके का मेकअप दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फाके इधर आओ ना कि फाके ने मेकअप ज़्यादा किया है नहीं सही मेरा बता देगा कि मैंने तो इतना करा नहीं मुझे गर्मी बहुत लग रही थी ना इसलिए आओ ये देखिए गाइस आप बताइए इसने आंखें बंद करो लिटरली मैंने किया है मैंने ज्यादा नहीं आप बताएगा कि ज्यादा किया है या कम ओके काम तो काम नहीं लगी सही किया है या ज्यादा किया है तेरा तेरा ही दोषी का बहुत ज्यादा किया है नॉर्मल अच्छा लग रहा है ये किया है या फिर बहुत बहुत बुरा लग रहा है या फिर है ना ये भी लग सकता है कि ज्यादा है अगर ज्यादा है तो ज्यादा है तो बहुत बुरा लग रहा है. मैं नहीं उनको बोल रही हूँ उनको बोल रही हूँ और अगर कम है तो बोले कम है अच्छा लग रहा है. अपने घर से कमेंट किया ना बहुत अपने घर से मतलब ये नफ्सियाती ना अगर नहीं नहीं मैं अपनी आईडी बदल के कर लूंगी एक और आईडी बना लूंगी सिर्फ कमेंट के लिए. तो यस यार क्या हो गया तुम लोगों का पागल हो गए. सो यस गाइस मेरा जो है वो ये मेरा ये है ही नहीं ये मेरा है ही नहीं ये सो गाइस खाना लग चुका है लेट्स मीट यू आफ्टर ईटिंग. तो खाने में है वोंगटोंग बिरयानी कढ़ाई एंड दिस और कोल्ड ड्रिंक. सो लेट्स मीट आफ्टर द फूड. सो गाइस खाना हम खा चुके हैं क्या खाना था भाई बिरयानी बहुत अच्छी थी मगर मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा थी एंड कढ़ाई वॉज वाह मज़े ही आ गए जी. गाइस दूसरी दफा व्लॉग में आ गया ये तो कौन माय गॉड वो रे वो बंदा बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा आप बाहर आ जाए अगर आना है तो
नजर नहीं आ रही, रोशनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज रोशनी पड़ रही है वादा, देख लेगा व्लॉग में। अच्छा तो खाना वॉज टू मच गुड, वॉन्ग टोंग तो मजे ही मजे, और चाहिए और मीठा वॉज मजे का। सो ये मीठे में रबड़ी थी या खीर थी समझ नहीं आया, रबड़ी खीर लग रही थी मुझे तो। सही है, तो अभी मैंने बुलाया है, देखते मेरे वाले फैन आते हैं भाई नहीं। लेट्स सी, आ गए भाई, आ गए, देखा। सो गाइस ये है मेरे, अभी आने तो दें, गाइस ये है मेरे शार्क भैया। सही है, आ जाए अब सही आ रहे हैं जी। आपको कुछ कहना था क्या कि पहली दफा मेरे Assalamualaikum guys, welcome to the YouTube channel, this is Muhammad Shariq Siddiqui, please subscribe this channel and I is a very talented woman. Woman? तो is she a male? इनकी वजह से तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े हैं। हाँ और इनकी वजह से कम हुए हैं। कम तो कभी हुए ही नहीं। इनको अपने व्लॉग में प्लीज नहीं लीजिएगा वरना लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। ओह माय गॉड, ओके। गाइस आप रोस्टिंग चैनल खोल चुके हैं, रोस्टिंग चल रही है यहाँ पर। अब जब भी शारिक भाई व्लॉग में आएंगे रोस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सही है, इंट्रोडक्शन हो गया। ये थे हमारे शारिक भैया जो कि हमारे से मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भाई, क्योंकि ना ये इनको पता नहीं हमारे साथ तो कभी गुस्सा ही नहीं आता, हमारे सामने तो कभी नहीं आया, और हमसे फुल इतनी अच्छे बातें करते हैं, फुल इनके साथ मज़ा आता है, मज़े ही आते हैं इनके साथ। सही है, तो यस अब मैं जो हूँ वो क्या करी हूँ, मज़े में यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ। मेरे कज़न सारे बोल रहे हैं भाई व्लॉग क्या करी, व्लॉग नहीं बना रही। अच्छा व्लॉग नहीं बना रही, व्लॉग नहीं बना रही। गाइस मैं व्लॉग बना रही हूँ, सही है, जब भी तो मिले तुम लोगों को देखो, मतलब आप लोगों को देखे यहाँ पर बना रही हूँ। सब छुप के बना रही हूँ, छुप के मतलब किस तरह से बताऊँ मैं, सही है, बना रही हूँ ना, बस वही मिल रहा है ना, बस काफ़ी है। सही है, अब बताना कमेंट में कि ऐसी ज़्यादा अच्छी लग रही हो या फिर ऐसी ज़्यादा अच्छी लग रही, मतलब बगैर चश्मे के। सही है, तो कमेंट सेक्शन बता देना। आई थिंक तुम्हें चश्मे के साथ अच्छा लग रहा है। चलो बस चश्मे पहनता याहू। सो अभी जो है वो डांस परफॉर्मेंसेस भी होंगी, चेक मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ के फुल डांसर्स आए हुए जिसके ऊपर फुल होटिंग होने वाली है, जो कि है यस, जो कि मेरे कजन का भी है, कजन का भी है, मेरा भी है, मेरा एक अपने कजन के साथ है, मेरे माई शपी के साथ है, इसका के साथ भी है, मेरे चार गाने हैं गाइस। सही है, तो यस मैं स्टेज से उठूंगी नहीं, लिटरली मैं स्टेज से उतरने वाली ही नहीं हूँ। गाने जो है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 9:45 है मेरा रफ्ता रफ्ता एक्स सोना सोना वाले रफ्ता रफ्ता जैसे आग वाला, और एक और कौन सा था वाइट ब्राउन ब्लैक और वो अशूबर सचिदान एक कत्ते कुन्नी वारिया नी बशेरा वाला और गुलाबी सरणी वो गुलाबी शरारा वो वाला। सही है, सो यस यस मैंने ग्रीन शरारा पहना है, और वहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो एक सेकेंड वहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो झूले झूल रहे हैं। गाइस मैं वहाँ जाती हूँ व्लॉगिंग करने के लिए, कॉपीराइट आ जाएगा यार, अजीब एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुकी है जी। अब ऐसा करते हैं हम इनको पीछे से चल के और दिखाते हैं सारा वहाँ का, सही अच्छे से दिखा देते। वैसे तो मैं क्लिप डालूंगी डेकोरेशन की। अभी मुझे पता है कि हम लोगों की जो है वो नहीं, आई एम नॉट गोइंग फर्स्ट टाइम, ये हमें संभल के जाना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सम चूंटास मतलब आंट्स हैं यहाँ पे बहुत मोटे मोटे, तो यहाँ से जाके ये बोल जैनब बोलती है कि इसको इग्नोर करो, ये बोलती है जैनब को इग्नोर करे, आई एम द मिडिल वन। यस हम आ गए यहाँ पर, तुम्हें मेरी पिक्चर खींचनी थी याद है, याद है गाइस ये मेरी एक थंबनेल के आज की पिक्चर लेगा, एंड दिस इस पे भी मैंने करा था प्रैक्टिस मगर कुछ हो गया। तो यस वो देखें रॉयल मेडोज, और ये ढोलकी वाला है, और ये पूरा सेटअप है जो, और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, पूल वूल एंड ऑल से। कहाँ गए राफी चाचू, देखने कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय बेबी बेबी राजा आ जाए, अरे मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है गाइस, मेरे एक और पंखे मिल गए, फैन मिल गया मेरा, ओह माय गॉड। अरे राजा बाबू कैसे हो, अरे नया, ओह माय गॉड ये ओवर था, ये ओवर था, इसके पैसे नहीं मिलेंगे।
सो यस अभी हम आपको सुकून सा और जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा है। दिस होल इज टू मच गुड। जिसने भी ये सजाया है हमारे खानदान में से हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे। और ये लोग क्या खेल रहे हो, तुम लोग क्या खेल रहे हो? एक बात बोलूं, दोनों में से किसी की भी अच्छी नहीं है। हम दोनों में से बुरी सबसे ज्यादा किसी की है। ये बात है। गाइस अभी नाबी ने बहुत तंग किया, देखिए मैं नाबी का कर करूंगा। लेट्स सी क्या बिगाड़। हाँ सुनो तो बहुत हमें मजा आ रहा है। सबसे अच्छा तो ये बहुत जो है वो लग रहा है, जो मूवीज वगैरह में नहीं होता कि मतलब उस तरह का सारा के सारा माहौल बना हुआ है। और मतलब जो है वो पूरा पूल इसके अंदर ना दिए भी थे, छोटे छोटे जल रहे थे, आग भी उसमें थी मतलब जो है वो, मगर वो पानी था तो ऑब्वियसली बात है। सेटअप हुआ हुआ है ना, ये बहुत प्यारा सेटअप हुआ हुआ है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑल दैट थिंग अभी जहाँ डांस वांस भी होगा क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस करी है, अब देखते हैं कि क्या होता है। सो यस अभी फुल बाहर जो है वो डांस एंड कवाली एंड ऑल दैट थिंग हुए, इतना मज़ा आ रहा था लिटरली। और जो है वो अभी तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि सॉन्ग्स भी गा रहे हैं ये सब वगैरह, मगर मैं आपको ये दिखा दूँगी किस तरह का वो सेटअप है। ठीक, पूरा यहाँ सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। बस कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पर, वरना ए टू जेड मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँ। मगर इसके बाद जो है मैं सारी कवाली क्लिप्स वगैरह डाल दूँगी जो कि मेरे कजन्स वगैरह ने धमाल मचाए हैं। उससे पहले वी हैव डन डांस परफॉर्मेंसेस, तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी। यस अगर मैंने अपने कज़न को कैमरा देता है इफ़ उसने अच्छे से बना हुआ हुआ तो देख लूँगी, फिर भी आप लोग के लिए सब कुछ आ सकता है। सही है, सो यस स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और फुल मैं तो मतलब पूल में गई नहीं बिकॉज मुझे नज़ला वज़ला हो रहा था और बाकी सब तो चले गए थे। मगर जो कि आज का इवेंट था तो बहुत 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 मज़ा आया। रात में भी इतना का मतलब जो हमारे कज़न के दोस्त उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग गा के हमें दिखाए और ये सब वगैरह, कवाली हमारे कज़न ने खुद गाई, तो इतना मज़ा आया हम लोगों को और बहुत ही यादगार बहुत अच्छा इवेंट था। सो मच सही है, तो यस मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।